क्या क्या दिए उन्होंने अभी आपको? दैनिक अखबार हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार दरभंगा जिले के बहरी बाजार की अनीता देवी के पति विजेंद्र लाल कर्ण की मौत कोरोना से हो गई थी। इसके बाद से उसके परिवार की माली हालत काफी दयनीय हो गई है। घर के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में जाप अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के निर्देश पर दरभंगा में आज जाप के युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव जी के द्वारा 10,000 रुपए और 1 साल का सूखा राशन दिया गया। इस मौके पे चंद्रकांत सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा परिषद अभिनेश्वर प्रसाद बिहारी, प्रदेश महासचिव दीपक झा, छात्र वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष भैरव यादव, सोनू कुमार, विक्की काशिफ, अफसर आलम, अविनाश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जाप के द्वारा ये सेवादारी जारी रहेगी। आप भी ऐसे जरूरतमंद लोगों का सहयोग जरूर करें। आप अपने पिताजी को लेकर के गए थे, पूरा स्थिति बताइए। पिताजी को सांस में दिक्कत थी। 22 तारीख को जब हमने गए तो वहाँ पे हम शाम में 7 बजे यहाँ गया। यहाँ 1 घंटा ऑक्सीजन पे रखा गया। यहाँ कहाँ? PSC बहरी। उसके बाद उन्होंने मतलब अथी कर दिए, रेफर कर दिए DMCH के लिए। DMCH में हम एम्बुलेंस वाले को सारा पुर्जा जितना यहाँ PSC का पुर्जा था और सारा चीज कागज सब एम्बुलेंस वाले को दे दिया। PSC बहरी वाला वो PSC एम्बुलेंस वाला इमरजेंसी में जाके पुर्जा कटाया, सारा चीज करके उन्होंने बच्चा वार्ड में हमको छोड़ दिया। वो सारा पेपर ले जाके कोरोना वार्ड में वो सम्मिलित किए। और वहाँ के हम पापा को ले जा रहे थे तो पापा रास्ते में मेरे डेथ कर गए कोरोना वार्ड के पास। कोरोना वार्ड के पास मैंने आपको शिशु मतलब बच्चा विभाग में छोड़ दिया। हाँ। फिर वहाँ से आपने अपने पिताजी को कैसे ले गया? ऐसे कंधे पे ले जा रहे थे बुला के। अच्छा। कंधे पे एक हाथ था। हाँ। उसे हम ले जा रहे थे। रास्ते में उनका देहांत हो गया जी। इससे क्या लगता है कि वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर किस तरह का आपका अनुभव रहा? DMCH की व्यवस्था उनका वहाँ पर कोई, हम जब भी जाते बोले उनको तो हमको रबड़ के दौड़ते थे। कौन? वहाँ के डॉक्टर बोले आप मरा हुआ पेशेंट को लाए हैं। वहाँ क्या एक बार चेक नहीं किया उन्होंने? उन्होंने चेक नहीं किया, नहीं वहीं चेक किया इमरजेंसी में, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल चेक किया और वहाँ के बाद वहाँ कोरोना वार्ड रेफर कर दिया गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब उनका कोरोना वार्ड में रेफर किया, कोरोना का टेस्ट हुआ था उनका? उनका कोरोना का टेस्ट वहाँ नहीं हुआ। कहाँ हुआ था? वहाँ बहरी में भी, बहरी में हम इंडिविजुअल अस्वतंत्र रूप से हम करवाए थे, उन्होंने पॉजिटिव बताया। अच्छा, वो तो पेपर है आपके पास? पेपर कुछ नहीं है। पेपर कहाँ चला गया? पेपर सब एम्बुलेंस, वो पेपर मतलब कोरोना का जो स्वतंत्र रूप से हमने जांच नहीं कराया। स्वतंत्र रूप से जांच करवाए थे, पेपर नहीं। पेपर एम्बुलेंस एम्बुलेंस ड्राइवर को दिया गया जो इनको अभी तक दिया नहीं। अच्छा, वो एम्बुलेंस ड्राइवर के लेकर के अभी भागा हुआ है? एम्बुलेंस वाले सारा चीज वही था, सब पेपर एम्बुलेंस से ड्राइवर। PSC कह रहे हैं कि मेरे सामने उनका कोई व्यवस्था नहीं था जाँच करने का। ठीक है, अगर ये व्यवस्था यहाँ होती बहरी PSC में तो क्या आपके पिताजी बच जाते? तब बच जाते, ऑक्सीजन था और उसके बाद ऑक्सीजन देने में भी दिक्कत कर रहे थे जी। अभी आपको जो सहायता दिया गया आपको पता है किन्होंने दिया है? जरा जोर से बोलिएगा। पप्पू यादव। क्या क्या दिए उन्होंने अभी आपको? चावल, 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 और कुछ आर्थिक सहायता और भी दी है उन्होंने? आपका नाम क्या है? अच्छा, जो मरे हैं वो कौन थे आपके? क्या नाम था उनका? और कौन है? आपका बेटा भी था, क्या नाम था उनका? नहीं नहीं, वो बेटा सब है नहीं, केवल पति ही करे थे। मेरे चाचा थे। क्या उद्देश्य था और जिनकी आपने मदद की है, क्या अचानक इतना दूर आकर के? जी, हम लोगों को किसी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि यहाँ बहरी में 22 अप्रैल को एक घटना हुई थी जो विजेंद्र लाल कर्ण जी का कोविड हो गया था। कोविड के दरमियान इनको DMCH एम्बुलेंस वाले ले गए और वो एम्बुलेंस वाले इनको बच्चा वार्ड के पास ही छोड़ के चले गए और कोविड होने के कारण कोई इनको छू नहीं रहा था। इनका बच्चा बड़ा लड़का अपने कंधा पर लेकर DMCH कोविड वार्ड तक गया।
वो भी रिवार्ड तक जाने में वहाँ आपको पता होगा कि वहाँ कितनी सारी परेशानियाँ उत्पन्न है, पानी लगा हुआ है। तो कोविड वार्ड पर उनके बड़े लड़का विजेंद्र लाल जी के बड़े लड़का कंधा पर ले गए और कंधा पर ले जाने के क्रम में उनका मृत्यु वहाँ डीएमसी कोविड वार्ड सेंटर पहुँच कर हो गई और वही कोविड वार्ड सेंटर में पहुँचने के बाद उनका मृत्यु हो गई और परिवार का स्थिति दयनीय बहुत ज़्यादा है। किसी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे नेता जी को भी खबर मिला, हम लोगों को सूचना हुआ कि भाई आप उस परिवार के लिए जाके जरूर मदद कीजिए। नेताजी का नाम भी कर नेताजी हमारे पप्पू यादव जी को कहीं न्यूज चैनल के माध्यम से खबर मिला कि भाई इस तरह का दयनीय स्थिति है परिवार का, आप लोग उनको जाके मदद कीजिए। हम लोग अभी आए हैं पार्टी की ओर से, जन अधिकार पार्टी दरभंगा की ओर से, इनके लिए राहत सामग्री हम लोग लाए हैं जिसमें चावल है, 10 पैकेट चावल है, आलू है, प्याज है, तेल है, आटा है, विभिन्न सारा सामग्री लाए हैं और आर्थिक मदद के रूप में हम लोगों ने 10,000 रुपये पार्टी की तरफ से दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके दोनों बच्चे में अगर पढ़ाई में भी किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम लोग पार्टी की तरफ से मदद करेंगे। किसी तरह हम अपना अभी मोबाइल नंबर इनके पास दे के जा रहे हैं, किसी तरह का कोई परेशानी होती है तो आगे ये हमसे फोन से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी और पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? चुनमुन यादव, युवा अध्यक्ष दरभंगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।